नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं कि छत के ढलाई तक पूरा काम किस तरीके से किया गया और अगर आप इस तरीके से घर बनवाते हो तो छत के ढलाई तक आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर बनवा रहे हो अपना घर, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस घर को किस तरीके से बनाया गया है। अगर आप इस तरीके से घर बनवाते हो, छत के ढलाई तक का काम करवाते हो, तो आपको किस तरीके से काम करवाना है और आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। दोस्तों, आप इस बनते हुए घर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए और अपने बनने वाले घर के लिए रेट एनालिसिस कर पाए, इसलिए मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो साइज है इसके बारे में बताना चाहता हूं ताकि आप लोग को सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इसका फ्रंट व्यू की बात कर लिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट, साइड व्यू की बात कर लिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट, स्क्वायर फीट की बात कर लिया जाए तो लगभग 1600 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। हालांकि छत के ढलाई तक ही काम कंप्लीट हो पाया है। ऊपर में इस घर के लिए पैरापेट वाल का काम बाकी है, सीढ़ी का जो काम होता है सीढ़ी रूम बनाने का उसका काम बाकी है, साथ में प्लास्टर का पूरा काम, खिड़की दरवाजा का पूरा काम अब तक बाकी है। लेकिन जो अब तक काम हुआ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ अगर आप इस तरीके से घर बनवाते हो तो कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ, फिर जानते हैं कितना रुपये तक का खर्चा इसमें आ चुका है कॉलम और बीम के साथ में। तो दोस्तों, इस घर का फ्रंट और साइड व्यू तो आपने देख लिया था, अब मैं आपको इस घर के लिए जो साइड व्यू है और जो बैक व्यू है इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस घर के लिए जो भी खिड़की का प्रयोग किया गया है वो सारा बॉक्स डिजाइन के साथ में है। देख पा रहे हो कि यहाँ पे तीनों तरफ से ऊपर वाला जो हिस्सा या फिर जो साइड वाला हिस्सा है ब्रिकवर्क के साथ में यहाँ पे काम किया गया है। हालांकि नीचे वाला हिस्सा में यहाँ पे इतना दूर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ढलाई के साथ काम है वो किया जाएगा। तो ज़्यादातर लोग आजकल इसी बॉक्स डिजाइन के साथ में अपने घर के लिए जो खिड़की का काम है उसे करवा रहे हैं। चलेंगे छत के ऊपर, देखेंगे किस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन जो कॉलम है बीम है इसके बारे में आप यहाँ से समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इस घर के लिए जो कॉलम और बीम का काम किया गया इस बीम पे कॉलम पे इजली इस घर को 3 तला तक ले जाया जा सकता है। जैसे कि इधर आप देख पा रहे हो 4 कॉलम है, 4 कॉलम आपको इधर भी देखने को मिलता है। टोटल 17 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है और जो 17 कॉलम है इसका साइज़ के बारे में बात कर ले जाए तो 9 इंच पर 12 इंच का 17 कॉलम का यूज़ यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे 6 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। प्रत्येक कॉलम का आप इजली यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम का इस्तेमाल करते हो तो ईजिली अपने घर को आप 3 तला तक ले जा सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ना नहीं है। और इसके साथ साथ बीम की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 9 इंच पर 12 इंच की बीम आप देख पा रहे हो, जहाँ पे 16 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा रहा, तो मजबूत घर बनाया जा रहा है। 3 तला तक इस कॉलम और बीम के सहारे इस घर को आने वाले दिन में ले जाया जाएगा। आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसे कम्प्लीट किया गया। चलिए चलते हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं, साथ में जानते हैं कि कितना रुपये तक का खर्चा इसमें अब तक आ चुका है। तो दोस्तों, जल्दी से हम लोग इस घर के फ्रंट व्यू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर चलते हैं अंदर और साथ में जानते हैं कि इस तरीके का जो घर बनाया जाता है छत के ढलाई तक कितना रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है ये देख पा रहे हो लगभग 4.5 फीट बाय 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस है। इसके लिए पहला रूम है, उसके अंदर पर दूसरा रूम है और सीधे यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये सीढ़ी रूम है। सीढ़ी रूम के अंदर में यहाँ पर मेन एंट्रेंस रखा गया है। साथ में घर के सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा निकाला गया है। इधर भी आप देख पा रहे हो, उधर भी देख पा रहे हो, ताकि ऊपर वाला ताला में यहाँ पर ईजिली जो बालकनी का काम है उसे किया जा सके। इस घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई है लगभग 3 फीट के आसपास तक में यहाँ पे लिया गया है। काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पे गेन कर लिया गया है। कभी भी घर बनाइएगा तो अगल बगल का जो रोड होगा वहाँ से आपको 3 फीट का ऊंचाई ज़रूर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका काम है वो किया गया है। यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस है और आप आइडिया लीजिए अपने बनने वाले घर के लिए कि 1600 स्क्वायर फीट में किस तरीके से आप घर बना सकते हैं। तो घुसने के साथ ही यहाँ पे मेन एंट्रेंस है और देखिए सीढ़ी कितना स्मार्ट तरीके से बनाया गया है कि वहाँ से इसके लिए पहला फ्लाइट पार्ट है, फिर लैंडिंग बाहर गया, फिर सेकंड फ्लाइट पर होते हुए घर के छत पर जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मेन एंट्रेंस में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप सीढ़ी रूम के अंदर से भी मेन एंट्रेंस रख सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आपको एक मिल जाता है रूम, चलिए मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको रूम के रूप में या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कार पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है ताकि कोई गेस्ट है तो उनको इजीली यूज़ किया जा सके इसको, इसलिए यहाँ पे बाहर की तरफ दरवाजा इसका रखा गया है। आगे थोड़ा और चलते हैं तो यहाँ पे हॉल के साथ साथ आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है किचन, वहाँ पर मिलता है पूजा रूम, उसके साथ एक और आपको ये देखिए
कुछ इस तरीका से एक छोटा शोरूम देखने को मिल जाता है। वार्डरोब भी है, विंडो भी है, इसके साथ यहाँ पे आप किचन का काम देख पा रहे हैं। मुझे पता है कि आपको देखने में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बांस बल्ले वगैरह लगा हुआ है। देखिए एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ इधर विंडो, यहाँ पे वार्डरोब लगाया गया है। ये इस घर के लिए पूजा रूम है, आप देख पा रहे हो। तो अब तक आपने दो रूम के साथ में पूजा रूम और किचन हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देख पाए हो। उधर एक और रूम है, उसके साथ उधर भी रूम है, दोनों को अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में बनाया जा रहा है। हालांकि एक और कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल चार बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। घर को काफ़ी मजबूत बनाया जा रहा है। अंदर से भी आप कॉलम को देख पा रहे हो कि 9 इंची बाई 12 इंची के आसपास तक का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है 6 सरिया के साथ में। दोस्तों बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि घर का जो छत के ढलाई तक का काम किया जाता है वहाँ तक में छत के नीचे का जो पार्ट होता है, जो हमारा फर्श होता है, यहाँ पे ढलाई नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो कि छत ढलाई से पहले ही इस घर के लिए जो फर्श का काम है उसका काम कर लिया गया। तो इसका बेनिफिट्स भी है दोस्तों कि जब आप घर के छत के ढलाई के लिए जब आप नीचे में इस तरीके से फर्श का ढलाई कर लेते हो तो बांस बल्ले जो होता है छत ढलाई के क्रम में कई बार होता है कि धंसने का समस्या आता है, लेकिन पहले जब आप फर्श बना लेते हो तो कभी भी आपको धंसने का समस्या नहीं आता। ये बेनिफिट्स है, अगर आपके पास बजट है तो इजीली आप छत ढलाई से पहले कुछ इस तरीके से नीचे का फर्श है उसको ढलाई के साथ में आप कंप्लीट करवा सकते हो, उसके बाद में बांस बल्ले के साथ में अपना घर का छत का ढलाई आप करवा सकते हो। तो देखिए आपने कि घर के अंदर में किस तरीके से काम को किया गया। तो दोस्तों अब तक तो आपने देखा कि इस घर को अंदर से और बाहर से किस तरीके से बनाया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस 1600 स्क्वायर फीट का घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आ चुका है। तो आपका बता दूं कि इस घर को बनाने में अब तक 11.5 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। याद रहे ये एक 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ एक बड़ा साइज़ का घर है, जिसमें 4 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम के साथ साथ आपको इधर साइड की तरफ कार पार्किंग वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। जो मैं खर्च बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इस घर को बनाने में कितना सीमेंट लगा, कितना गिट्टी लगा, कितना बालू लगा, कितना सरिया लगा, कितना मजदूरी लगा, वो टोटल खर्चा मैंने आप लोग को बता दिया है कि अब तक कितना रुपये तक का आया है। याद रहे कि इस घर के लिए जो ये स्टेप वाइज वीडियो में लाता हूँ इसके लिए वीडियो मैंने पहले आप लोग के लिए अपलोड किया हुआ था, जब इस घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया था, लिंटन लेवल तक का काम किया गया था, जब सेंटरिंग का काम किया जा रहा था उसमें भी मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था कि इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो अब तक का पूरा अपडेट मैंने आप लोग को स्टेप वाइज दे दिया है। आने वाले दिन में जैसे इस घर को कंप्लीट किया जाएगा स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्लास्टर किया गया, किस तरीके से पेंटिंग किया गया, किस तरीके से फर्नीचर वर्क हुआ, वो पूरा कंप्लीट वीडियो में इस घर के लिए अपलोड में आने वाले दिन में करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करते हो, अपने घर के लिए नक्शा निकलवाना चाहते हो तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपके घर के लिए नक्शा निकाल दूंगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।